अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप सबका खैर मकदम करती हूँ आपके हमारे अपने चैनल FKM 91 न्यूज़ पर। आइए नज़र डालते हैं आज की अहम खबर पर। तेलंगाना एसोसिएशन ऑफ मिक्स्ड मार्शल आर्ट्स तम्मा की जानिब से आज हैदराबाद MM में काली खबर हैदराबाद में प्रेस मीट मुनक्किद हुई, जिसमें मिस्टर शेख खालिद फाउंडर एंड जनरल सेक्रेटरी ऑफ तम्मा ने कहा कि हैदराबाद MMA से 26 लड़के और 2 लड़कियाँ 5th MM में इंडिया नेशनल चैंपियनशिप में शिरकत करेंगे। ये चैंपियनशिप 2022 नीमुच मध्य प्रदेश में मुनक्किद होगी। इस मौके पर मिस्टर मोहम्मद अमजद खान प्रेसिडेंट ऑफ तम्मा, मिस्टर शिवा गणेश वाइस सेक्रेटरी ऑफ तम्मा और बहुत से मेहमान मौजूद थे और तमाम जिम्मेदारों ने कामयाबी की दुआ की। आइए देखते हैं हमारे नुमाइंदे अरबाज की ये खास रिपोर्ट में इसके मजीद तफसीलात। SKM 91 न्यूज़ के एडिटर इन चीफ इश्तियाक अहमद के साथ हर अहम और खास खबर के लिए हमारे न्यूज चैनल SKM 91 न्यूज को यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें, फेसबुक पर लाइक करें, इंस्टाग्राम और ट्विटर पर फॉलो करें। तेलंगाना एसोसिएशन ऑफ मिक्स मार्शल आर्ट्स का फाउंडर एंड हेड कोच हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह तेलंगाना एसोसिएशन ऑफ मिक्स मार्शल आर्ट्स तम्मा की तरफ से 32 फाइटर्स नेशनल 5th MMA इंडिया नेशनल के लिए जैसे सेलेक्ट हुए और कल रवाना हो रहे नेशनल के लिए, जिसमें यूथ अमेचर और सीनियर और जूनियर है और फीमेल्स भी है। और हमेशा की तरह तेलंगाना का हमेशा प्रिपरेशन अच्छा रहा ये टाइम भी, और हम उम्मीद करते कि तेलंगाना को नेशनल से हम गोल्ड सिल्वर और ब्रॉन्ज मेडल के साथ हम वापस आए। तो आज का प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का हमारा मकसद ये था कि तेलंगाना के लोगों को और जितने भी लोग स्पोर्ट्स की तरफ आना चाहते और कर रहे उनके लिए एक मैसेज है कि हैदराबाद के अंदर मिक्स मार्शल आर्ट्स के अंदर अच्छे प्लेयर्स यहाँ से खेल रहे और तेलंगाना को रिप्रेजेंट कर रहे और अपने स्टेट का और कंट्री का नाम रोशन कर रहे। यहाँ से बच्चे इंटरनेशनल के लिए सेलेक्ट होकर इंटरनेशनल भी खेलते, तो हमारी कोशिश है कि और यहाँ से बच्चे सीखे और MMA और MMA को और स्पोर्ट्स को आगे लेके जाए। और हमारी रिक्वेस्ट भी है गवर्नमेंट से कि स्पोर्ट्स के अंदर ऐसे स्पोर्ट्स खास करके कम्बाइंड स्पोर्ट्स है जो बच्चों को जो सो कॉन्फिडेंट लेवल और उनकी हेल्थ की तरफ लेके जाता, उसके लिए भी गवर्नमेंट सपोर्ट करे प्लेयर्स को। और मुबारकबाद दे तो जो प्लेयर्स इतना अपना पैसा लगा के टाइम दे के वक्त दे के आज नेशनल के लिए जा रहे, और पेरेंट्स को भी मैं मुबारकबाद देता हूँ जो पेरेंट्स बढ़ चढ़ के जैसो अपने बच्चों को स्पोर्ट्स की तरफ भेज रहे और पैसा भी लगा रहे उनका। तो हम ये सब की मेहनत को ज़ाया जाने नहीं देंगे और तेलंगाना का नाम हम पूरे इंटरनेशनल लेवल में वर्ल्ड लेवल में हम रखेंगे। ये इवेंट 19 मई को स्टार्ट हो रहा, 22 मई को एंड है। ये नेशनल फेडरेशन MMA इंडिया नेशनल फेडरेशन इसको होस्ट कर रहा मध्य प्रदेश के अंदर, और इसमें तकरीबन नीमच मध्य प्रदेश नीमच तकरीबन इसमें 27 स्टेट पार्टिसिपेंट कर रहे और बहुत सारे बड़े सेलिब्रिटीज़ है जो गेस्ट है इसमें, जैसा सुनील शेट्टी है, ग्रेट खाली है और बहुत सारे एक्टर्स वगैरह भी आ रहे, सिंगर्स भी हैं ये इवेंट के अंदर। और टूर्नामेंट के लिए कोई स्पेशल आप क्लासेस लिए थे इस टूर्नामेंट के लिए? हाँ, इसके लिए हमेशा नेशनल और इंटरनेशनल के लिए हम लोग 1 मंथ पहले कैंप स्टार्ट करते फाइटर्स का, 1 मंथ पहले सिलेक्शन होता टीम का, सिलेक्शन के बाद स्पेशल ट्रेनिंग कैंप होता है इनका, दिन में इनका 4 से 5 घंटे ट्रेनिंग होता विद प्रॉपर न्यूट्रिशन और इनका स्टंट ट्रेनिंग सब हम कवर करके प्लेयर को। वेट कैटेगरी में कितने बच्चे पार्टिसिपेट कर रहे हैं? एक वेट कैटेगरी में 2 फाइटर पार्टिसिपेट कर सकता आज पर इंटरनेशनल रूल हमारे हर वेट का। पार्टिसिपेंट्स का आपके पास कोचेस वगैरह जा रहे हैं? जी हाँ, एक कोच है और मैनेजर, टीम मैनेजर है फहाद है, ऐसे कोच मैं भी हूँ वहाँ पे, और यहाँ से गणेश भाई शिवा गणेश जो ऑफिशियल करेंगे वहाँ पे रेफरी करेंगे, रेफरी के लिए सेलेक्ट हुए। कितने परसेंट चांसेस है गोल्ड मेडल तेलंगाना को आए? हमेशा इंडिया की लीडिंग टीम है तो हमेशा हम उसमें जैसा कि 70% 60% मेडल तो तेलंगाना वहाँ से नेशनल से हमेशा ला देगा, तो ये भी टाइम कि हमारे को सेम होप है कि और ज़्यादा हम मेडल लाएंगे क्योंकि तैयारी भी अच्छी है। सुधीर हुसैन, मैं ऑफिशियल मेंबर हूँ मिक्स मार्शल आर्ट के, और हमारे
टीम जा रही है मध्य प्रदेश के लिए। 32 मेंबर्स इंशाल्लाह जा रहे हैं, कल इंशाल्लाह रवाना होंगे। हमारे खालिद शेख की सर की बहुत मेहनत है, बहुत कोशिश है और बच्चे को भी अच्छा सपोर्ट है, तो जा रहे हैं कल इंशाल्लाह। दुआ करिए, आप सब लोगों से गुजारिश है कि दुआ करिए, जल्द से जल्द कामयाब होंगे इंशाल्लाह। और बच्चों के पेरेंट्स से भी जो है बहुत सपोर्ट मिला है, और हमारे खालिद सर फिज़िकली फाइनेंशियली और हर चीज़ से जो है प्रिपेयर कराते बच्चों को, और जो है सर जा रहे हैं हमारे। नहीं, नहीं, नहीं। आपका रोल क्या है इसमें? मैं ऑफिशियल मेंबर हूँ यहाँ। जी हाँ, ऑफिशियल एमएमए का ऑफिशियल मेंबर। आपकी नेक तमन्नाएं सर? जी, मेरी नेक तमन्नाएं, दुआएं और जो है बच्चों की मेहनत पे और खालिद सर की मेहनत पे इंशाल्लाह यकीन है, और अल्लाह सुब्हानहू तआला से भी यकीन है कि इंशाल्लाह पिछली बार की तरह इस बार जो है हम लोग अच्छा सक्सेस होके आएंगे। और इंशाल्लाह दुआ करिए, आप सब लोगों से गुजारिश है इंशाल्लाह। थैंक यू, जज़ाकअल्लाह। आने के बाद में दुआ करिए गोल्ड मेडल लेके आने के लिए। आने के बाद में फिर अच्छे से जो है प्रेस मीट करेंगे हम लोग, एकदम लाउडली करेंगे इंशाल्लाह। थैंक यू एवरीवन, जज़ाकअल्लाह।